याद करिए, सन 2002 के गोधरा कांड के बाद ये बताया गया था कि गुजरात का मुसलमान खतरे में है, इसलिए हमने वहां जाकर ये पता करने की कोशिश की कि गुजरात के अल्पसंख्यक आखिर जीते कैसे हैं। यहां सुल्तान अहमद शाह की कब्र है, इसके ठीक नजदीक है अहमदाबाद की जामी मस्जिद। इस मस्जिद को सुल्तान अहमद शाह ने सन 1424 में बनवाया था। यह विशाल मस्जिद 260 खंभों पर खड़ी है। गुजरात के मुसलमानों की राय जानने के लिए भला अहमदाबाद की जामी मस्जिद से ज्यादा बेहतर जगह कहाँ मिलेगी? कौन कौन सी जगह अहमदाबाद में आप जाते हैं घूमने के? बहुत सी जगह, लो गार्डन है, फन पब्लिक है, यहाँ काकरिया बाजू ये बाजू है, बिग बाजार है। गुजरात में ऐसा है कि जो मुस्लिम है उनके दुकान से लोग सामान नहीं लेते या उनके साथ भेदभाव करते हैं, ऐसा है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ हमको ऐसा इस मुल्क में जैसा कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि हिंदू मुसलमान की दुकान से नहीं लेता। हमारे तो हिंदू ग्राहक ज्यादा है, क्या सब आदमी घूम सकते हैं, कर सकते हैं, कोई डर नहीं देता है। पहले जो आज से 85 के बाद पहले बहुत ही मगजमारी ने ये झगड़े के घर ने थे ना, जा भी जाते कि ये मगजमारी का घर ही होते थे। अभी का माहौल ऐसा हो गया कि रात को 12-1 बजे बाद में कोई है ना, 1:30 बजे बाद में निकलते ही नहीं, क्योंकि पुलिस की चेकिंग होती है। गुजरात में बिल्कुल सही है, सही अच्छा है, सब अच्छा है। कोई हिंदू हो या मुस्लिम हो, कभी कोई हमें परेशान करता ही नहीं, बिल्कुल फ्री लाइफ है जिंदगी। अहमदाबाद सिटी इतना सेफ्टी है, कहीं और सिटी नहीं हो सकता, इतना सेफ्टी है। और जो लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम ऐसे वैसे, लेकिन अभी तक तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं है कि हिंदू मुस्लिम में कोई भी तफावत हो। नहीं, ऐसे तो कुछ डर वर नहीं है, निकल जाते हम ऐसे घूमने के लिए। गांव महेरपुरा, जिला साबरकांठा, तकरीबन 600 लोग यहाँ रहते हैं, 80% इस गांव में मुसलमान हैं। हमारे गांव में सामूहिक गोबर गैस प्लांट है, वो 90% गवर्नमेंट का ही और 10% लोक फाड़ा से हमने ये काम करवाया है। और सामूहिक मिनरल वाटर प्लांट है, सारा नागरिक मिनरल का यूज करता है। हमारे गांव में 100 घर है और 100 घरों में करीबन 70-80 मोबाइल है और 70-80 गाड़ियां है। विदेशी निवेशकों का गुजरात के बारे में क्या कहना है? हम इंडस्ट्री में बात करते हैं, हमें किसी से ऐसा लगता नहीं है कि उनको ये महसूस हो रहा है कि कोई तनाव हो, है कम्युनल, वो सब बिजनेस कर रहे हैं अच्छी तरह से, हैप्पीली। आम तौर पर भारत में 3 तरह के सामाजिक और आर्थिक विकास के मॉडल दिखाई देते हैं, महाराष्ट्र मॉडल, बंगाल मॉडल और गुजरात मॉडल। कांग्रेस के ही शासनकाल में विकसित हुआ है महाराष्ट्र मॉडल, बंगाल मॉडल जो कि कम्युनिस्टों के 30 सालों के शासन की उपज है, और गुजरात मॉडल जो कि पिछले 1 दशक के बीजेपी राज की देन है। बाकी स्टेट्स भी इसको धीरे धीरे गुजरात मॉडल को अपना रहे हैं। जो गरीबी रेखा के नीचे जो है उसमें किसानों की संख्या कितनी है, वो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बंगाल में है। महाराष्ट्र में यह है कि वो हिंदुस्तान की फाइनेंशियल कैपिटल है, एक बार इंडस्ट्री में लीडर थी, और आज यह है कि वहां गवर्नमेंट ही नहीं है, गवर्नमेंट कुछ ही नहीं कर रही। बेशक आप विदर्भा में देख लें, बेशक आप इंडस्ट्री में देख लें, बेशक आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में देख लें, सब इकोनॉमिक पैरामीटर्स के हिसाब से बंगाल है सबसे पिछड़ा हुआ स्टेट और गुजरात है सबसे पहला स्टेट। और ये जानकारी आज के तारीख में बंगाल के बच्चे बच्चे में है, ऐसा एक भी गांव नहीं है जिसमें एटलीस्ट 10% लोग गुजरात में नौकरी करने के लिए नहीं गए हो। वहां इन्वेस्टमेंट सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर से नहीं लेकिन बाहर से भी अधिक से अधिक गुजरात में आ रही है। वैल्यू शोकेस गुजरात, यू शोकेस इंडिया, वैल्यू शोकेस इंडिया, यू शोकेस गुजरात।